फ्रेंड्स, तो सुबह हो चुका है और हमारा अगले डेस्टिनेशन के लिए हम निकल पड़े हैं। अभी हम जा रहे हैं शिमोगा। तो ये जो यहाँ पे जो स्टे था हमारा सिर्फ एक रात का था, तो सुबह यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा हमें, तो थोड़ा यहाँ पे घूम के हम लोग अभी पास में ही सीशोरे बीच है, तो वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे, फिर घूम के शिमोगा के लिए निकल पड़ेंगे। अभी हम जिस जगह पे आके पहुंच गए हैं, यहाँ पे तीन नदी समुंदर से मिलता है, स्वर्णा, सीता और कोड़ी, और ये रिवर डेल्टा है। तो देखते हैं कैसा दिखता है यहाँ से नज़ारा। इतना क्राउड भी नहीं है यहाँ पे, बहुत कम लोग हैं। यहाँ तक गाड़ी लाने का प्रोविज़न नहीं है, तो थोड़ा दूर पार्किंग करके चल के आना पड़ेगा, यहाँ पे रोड नहीं है। और यहाँ पे पूरा पत्थर से एक समुंदर के साइड बांध बनाया गया है। और ये रोड, समुंदर, ये नदी है जो मिल रहा है समुद्र से। यहाँ पर पत्थर के अंदर छोटे छोटे क्रैब्स घूम रहे हैं और मेरे आदमी अंदर घुस जा रहे हैं। ओ, ये पानी जाता फूम पे भी अंदर घुस गया। तो अभी चलते हैं दूसरे साइड जो रिवर साइड है, यहाँ पे बहुत घूम लिए, देखते हैं रिवर के साइड कैसा व्यू है। उडुपी में कृष्णा टेंपल और सेंट मेरीज आइलैंड घूमने के बाद हम कल रात को यहाँ पहुँच गए थे। हमारा होटल पास में ही था। आज सुबह जब हम यहाँ आए, इतना व्यू सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत व्यू था यहाँ पे। तो हम लोग आपको डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे, आप जब भी उडुपी आएँ ये लोकेशन ज़रूर विज़िट कीजिए। लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में पिंक कर दे रहे हैं। हम यहाँ पे 15 मिनट रुकने के लिए आए थे,
बट 2 घंटा कब हो गया पता ही नहीं चला। बाल देख रहे हैं, बाल का हालत पूरा, हवा तेज बह रहा है। तो अभी चलते हैं यहाँ से। हम अभी लंच करने आ गए हैं और कल रात को हम यहीं पे ही आए थे। पीछे जो है ना वो रेस्टोरेंट है। तो ये आज हमारा लंच का लोकेशन होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत बीच है और यहाँ से समुंदर का व्यू अल्टीमेट दिखता है। ओए ओए। और ये सामने देखिए सेंट मेरी सेल है। कुछ लोग सर्फिंग के लिए भी जा रहे हैं यहाँ पे। फिश करी आ गया है और हमारा लंच का नज़ारा देखिए। ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किए थे हम, ऐसे ओपन स्पेस में सी शोर में बैठ के लंच करने का मौका मतलब बार बार नहीं मिलता है ज़िंदगी में। अरे प्लेस ज़्यादा अच्छा इसलिए और लग रहा है क्योंकि क्राउडेड बिल्कुल नहीं है यहाँ। हाँ मतलब क्राउड के नाम पे हम 2 ही लोग हैं यहाँ पे। हमारा व्यू देखिए इतना ऑसम व्यू है यहाँ पे। इधर बोट्स वगैरह सब चल रहा है, कुछ लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्रैक्टिस कर रहे हैं और पीछे कोकोनट ट्रीज दिख रहे हैं ना, वो व्यू को चार चांद लगा दे रहे हैं पूरा। आज के प्लान के हिसाब से हम लोग 10 बजे तक यहाँ से निकल जाने वाले थे लेकिन अभी टाइम बच गया है 12, तो हम लोग सोचे कि लंच करके ही निकलते हैं और ये हमारा बेस्ट डिसीजन था। इस लोकेशन का नाम है कैनरा रेस्टोरेंट। हम लोग इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं अपने लंच के लिए। लंच ख़त्म हो गया, वन ऑफ द मेमोरेबल लंच हमारा था ये। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे यहाँ पे जरूर आने का ट्राई करेंगे। म्यूजिक भी है यहाँ पे और व्यू तो गजब ही है। हमारा ट्रिप का पूरा बन गया ट्रिप ये व्यू देख के। बारिश फिर से शुरू हो गया है तो रास्ते में देखते हैं कैसा व्यू मिलता है शिमोगा जाते वक्त। उडुपी से शिमोगा अराउंड 150 किलोमीटर से तो अराउंड 4 आवर्स लगना चाहिए हमें पहुंचने में, लेकिन रास्ते में हमें अगुम्बे घाटी भी क्रॉस करना है तो जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। हम लोग आज शिमोगा में कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे लेकिन टाउन जरूर घूमेंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट व्लॉग में आप देखिए। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।